फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि इंग्लिश में गालियां कैसे दें, या अगर कोई हमें गालियां दे तो हम उसे कैसे समझें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा, वैसे तो गाली देना गलत बात है और आपको गालियां नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी है ताकि अगर कोई इंसान आपके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करता है तो आप उसका प्रॉपर जवाब दे सकें। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि वो क्या वर्ड्स है जिससे तेज गुस्सा या गालियां दिया जाता है। फ्रेंड्स, मेरा पहला वर्ड है ब्लडी। इस वर्ड का इस्तेमाल तेज गुस्सा या किसी को अशब्द कहने के लिए यूज करते हैं, जैसे विच ब्लडी इडियट हैज डन दिस, यानी किस नालायक मूर्ख ने यह काम किया है। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि मैंने बोला नालायक मूर्ख और उसकी जो इंग्लिश बनी वो थी ब्लडी इडियट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो किस नालायक मूर्ख ने तुमको सलाह दिया तो आप कहेंगे विच ब्लडी इडियट एडवाइज्ड यू। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा वर्ड देखें। फ्रेंड्स, तेज गुस्सा को दिखाने के लिए ब्लडी हेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जब आप तेज गुस्सा दिखाते हुए ये कहें कि मेरा चश्मा फिर खो गया, या मेरा पर्स फिर खो गया, या मेरा मोबाइल फिर खो गया, तो आप कहेंगे ब्लडी हेल आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल अगेन, यानी मैंने अपना मोबाइल फिर खो दिया। आइए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल सेंटेंस देखें। अगर आपको सही तरीके से कहना हो कि तुमने मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, वेयर डिड यू पुट माई ग्लासेस, लेकिन अगर इसी बात को तेज गुस्सा में कहा जाए या उल्टा सीधा बोलते हुए कहा जाए तो आप कह सकते हैं वेयर द ब्लडी हेल डिड यू पुट माई ग्लासेस। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, गुस्सा दिखाने के लिए हम वर्ड डैम का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप गुस्सा दिखाते हुए ये कहें कि मैं अपना पर्स घर पर छोड़ दिया, या मेरा पर्स घर पर छूट गया, तो आप कहेंगे डैम आई हैव फॉरगॉटन माई पर्स एट होम। फ्रेंड्स, अगर वर्ड डैम का इस्तेमाल आप अकेले करते हैं, यानी किसी सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, तो आप डैम के जगह पर डैमिट का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे डैमिट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो किसी नालायक मूर्ख ने यहाँ चाकू रख दिया है तो आप कहेंगे सम डैम फूल हैज लेफ्ट दिस नाइफ हियर, यानी किसी नालायक मूर्ख ने इस चाकू को यहाँ पर रख दिया है, या इस चाकू को यहाँ पर छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अगर तेज गुस्सा दिखाते हुए आपको ये कहना हो जुबान बंद करो और यहाँ से दफा हो, तो आप कहेंगे गो टू हेल, यानी जब तेज गुस्सा दिखाते हुए आपको ये कहना हो कि यहाँ से दफा हो, यहाँ से चलते बनो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तो आप कहेंगे गो टू हेल। फ्रेंड्स, तेज गुस्सा या गाली देने के लिए आप वर्ड शिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड शिट से तेज गुस्सा या गाली दी जाती है, जैसे अगर आपको तेज गुस्सा दिखाते हुए कहना हो यह कुत्ता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो आप कहेंगे ओ शिट दिस डॉग विल नॉट लेट मी लिव, यानी यह कुत्ता मुझे जीने नहीं देगा। फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से तकलीफ हो तो इस कंडीशन में कई बार सन ऑफ बिच या सन ऑफ अ बिच का इस्तेमाल करते हैं, यानी वे उन्हें गाली देने के लिए सन ऑफ बिच या सन ऑफ अ बिच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं उस कुतिया के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, या अगर आपको तेज गुस्सा दिखाते हुए कहना हो कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तो आप कहेंगे आई विल नॉट लीव दैट सन ऑफ अ बिच, यानी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, कई बार गुस्से में आप किसी को मूर्ख या गधे बोल देते हैं, तो इस कंडीशन में आप यू फूल या यू इडियट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यू इडियट तुम गधे, या तुम मूर्ख। जैसे अगर आपको कहना हो यू इडियट व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी ओ गधे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट वर्ड देखते हैं। अगर कोई आदमी आपको कहे यू इडियट यू फूल, तो आप रिटर्न में कह सकते हैं सेम टू यू, यानी आप उसके गाली का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।